हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और बिस्तर से पर कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का तो यार अच्छा ही लगता है, पर यार सोच रहा था सुबह जल्दी आता, 7 बजे आता तो और मज़ा आता, क्योंकि ना उस टाइम ना मतलब धीरे धीरे सूरज निकल रहा होता है, मज़ा काफ़ी आता है उस टाइम। तुम्हारा भाई उठाता है साइकिल, सीधा कुदाता है और निकलता है, गाँव वाले देख के हैरान हो जाते हैं, ये बंदा सही है। अबे यार पानी आ गया फिर दोबारा, चलो पानी क्रॉस कर लेता हूँ फिर बात करता हूँ। पहले कहा हमारे गाँव में ना ट्राली हुआ करती थी, ट्राली मतलब एक इंजन होता था, उससे ट्राली चलती थी, फिर ट्राली अंदर से पानी फेंकता था और खेत भरते थे। आजकल ना समर लग गई है, हर जगह समर लग गई है, मतलब 100 मीटर 200 मीटर छोड़ के हर जगह समर है, और आप लोग समर से खेतों में पानी लगाते हैं और समर ही चलता है। ट्राली बहुत कम चलती है जहाँ समर नहीं होती, वरना समर ही चलती है हर जगह। और इस टाइम सरसों की खेती फूल एकदम चमकती है, एकदम पीले पीले फूल दिखाई देते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। और आलू की खेती, आलू भी बड़े ही हो गए हैं, मतलब आलू की खेती, आलू तो नीचे लगते हैं, और गेहूँ गेहूँ भी उग गए हैं काफ़ी पहले के, और धीरे धीरे मतलब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, एक एक दो दो के क्या कहते हैं 15-15 सेंटीमीटर गेहूँ भी बड़े हो गए हैं। और मैं गाइस थक गया हूँ, जब से साइकिल चला रहा हूँ थोड़ा सा थक गया हूँ, थोड़ी सी मतलब सांसें ऐसी ऐसी हो रही हैं। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। बस फाइनली जहाँ कल मैं थक गया, जहाँ मैंने कल मतलब खड़ी करी साइकिल वहीं पहुँच गया हूँ, और लेकिन बस तो आपको देखते आगे हम सब नए थे, और कल नहीं चल रहा था ये, आज चल रहा है, लाइट नहीं थी इसलिए नहीं चल रहा था, आज चल रहा है। गाइस अकेला और ना मेरा पता क्या मन कर रहा है यार कि फूल ना उसमें जम के, सारे बंदे होते ना तो दबा के ना था, इतना मस्त लग रहा है यार। ये ऐसा ट्यूबवेल है, उसमें भी ना सकते हैं, उसमें भी नहाते हैं लोग। क्या बलवीर राजेश सचिन नीरज तो जिनमें से कोई होता है यार तो नहाते यार, अपना कार्यक्रम शुरू, डब्बा उठाते और फिर ऐसे रहे हैं 4:30 और अपन निकल रहे हैं मार्केट, बोर हो रहे थे घर पे क्योंकि मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए और छोटी बहन भी चली गई, और मैं हो रहा था बोर। अब चलता हूँ मार्केट वार्केट घूम घाम के आता हूँ, थोड़ा सा कुछ खा पी के आऊँगा, कुछ बहन के लिए भी लेके आ जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ कंपिल मार्केट, और अपन ने निकाली साइकिल और यहाँ से सू सीधा कंपिल रुकने वाली है। चलो चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो गाइस खा पी के निकलने वाले हैं हम लोग, और बहन के लिए कुछ लेके आए हैं, इसको बोलते हैं बरले गांव की भाषा में, मतलब जो नए लोग होंगे वो नहीं जान पाएंगे। और शाम का माहौल है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने खाए हैं अंडे 4 और गोलगप्पे खाए हैं 10 के, बस उठने में अपना काम हो गया। और गाइस आज ना मेरे साथ एक सीन होते बचा, तगड़ा एक्सीडेंट होने से बचा था मेरा, तगड़ा तो नहीं था मेरी साइकिल का ना नाश हो जाता तगड़े वाला, मैंने एकदम से टर्न ले लिया लेफ्ट में और पीछे से देखा नहीं बाइक आ रही थी,
बाइक वाले भैया भी बचे और खुशकिस्मती थी कि मैं भी बच गया यार। चलो शुक्र है और अब हम निकल चुके हैं घर की ओर बहन के लिए लेके, और शाम का टाइम हो रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, और ठंड ठंड भी लग रही है, मेरे को तो नहीं लग रही क्योंकि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ी गर्मी सी आ रही है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। और गाइस आज एक बंदे ने मेरे को रोक के पूछा कि भाई ये मतलब पहली बार पूछा कि भाई ये जो आपने लगा रखा है जो नंबर प्लेट ये किस चीज़ का है, तो मैंने उनको बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ये है, तो उन्होंने एक सब्सक्राइब किया, अच्छा लगा, पहली बार किसी ने किया पूछ के रोक के, अच्छा लगा, थैंक यू भैया अगर आप देख रहे हो तो। चलो गाइस अब चलते हैं घर की ओर, देखते हैं क्या होगा। तो गाइस 6 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं सही सलामत घर पर, और घर पे खाली खाली क्योंकि मम्मी बहन और पापा और गौरव तो गया दिल्ली, तो ये 4 लोग हैं नहीं, तो घर खाली खाली ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। तो घर पे आ चुके हैं सही सलामत, और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ भी अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना, और मैं बार बार बोलता हूँ यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत से लोग करते ही नहीं है, सब्सक्राइब कर देना यार, किया जाता है तुम्हारा, सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, ध्यान से कर देना, ठीक है ना, चलो बाय।